हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में देखते हैं हम लोग एक महत्वपूर्ण आर्टिकल या एडिटोरियल के पुलिस व्यवस्था की खस्ता हालत के बारे में देखते हैं। कहीं पुलिस के पास नहीं है वाहन तो कहीं नहीं है महिला पुलिस कर्मी, परेशानियों से जूझ रही है पुलिस। ये लिखा है, इसके संपादक हैं कैलाश बिश्नोई, अध्येता दिल्ली विश्वविद्यालय से। देश में पुलिस सुधारों की तमाम कवायद के बावजूद भी अभी भी जनता पुलिस कर्मी ड्यूटी के बोझ से दबे हैं। औसतन 14 घंटे तक पुलिस कर्मियों को ड्यूटी करनी पड़ती है। यह बात CSDS और कॉमन क्रोज की तरह से जारी रिपोर्ट स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया 2019 में सामने आई है। तो याद रखिए, ये स्टेट्स ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया 2019 ये रिपोर्ट जारी की है CSDS और कॉमन क्रूज की तरफ से। इस रिपोर्ट में 21 राज्यों के 12,000 पुलिस वालों और उनके परिवारों के 10,000 सदस्यों से बातचीत की के आधार पर तैयार की गई है ये रिपोर्ट। इसमें पुलिस विभाग के भीतर महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को लेकर पुरुष पुलिस कर्मियों के पूर्वाग्रह, अपराध से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे की जर्जर हालत, आधुनिक तकनीकों की कमी के बारे में पता लग चलता है। इस रिपोर्ट के अनुसार 66% पुलिस वालों ने कहा है कि उन्हें जब सरकारी वाहन की आवश्यकता थी तब वह मौजूद नहीं था। इकतालीस फीसदी मानते हैं कि अपराध स्थल पर इसलिए नहीं पहुंच पाई क्योंकि उनके पास स्टाफ नहीं था। CSDS की रिपोर्ट के अनुसार देश में महिला पुलिस कर्मी महज 7.28% हैं, जबकि सरकार ने तय किया है कि हर राज्य में 33% महिला पुलिस कर्मी होनी चाहिए, लेकिन किसी भी राज्य में यह संख्या पूरी नहीं हुई है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सक्षम पुलिस तंत्र का होना जरूरी है। कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति में ही देश का आर्थिक विकास हो सकता है, लेकिन भारतीय पुलिस आज भी 1861 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए पुलिस अधिनियम के माध्यम से संचालित होती है। पुलिस प्रशासन का मूल काम समाज में अपराध को रोकना और कानून व्यवस्था को कायम रखना है, जबकि ब्रिटिश हुकूमत ने 1861 में के पुलिस अधिनियम में का निर्माण दरअसल भारतीयों के दमन और शोषण के मूल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया था। इसलिए दमनकारी और शोषणकारी पुलिस अधिनियम की राह पर चलने वाले पुलिस व्यवस्था से स्वच्छ छवि की उम्मीद कैसे की जा सकती है? सच यह है कि इसी कारण से समाज में पुलिस का चेहरा बदनाम हुआ है। हमारा दुर्भाग्य है कि हम अभी तक ब्रिटिश कालीन पुलिस व्यवस्था में देश की मांग के अनुरूप सुधार करने में नाकाम रहे। अधिकांश राज्य कुछ फेर बदल के साथ पुरानी भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 का ही पालन करते हैं। हालांकि अब यह मांग जोर पकड़ने लगी है कि पुलिस अधिनियम 1861 को किसी ऐसे कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए जो कि भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक स्वरूप को बदले हुए वक्त से मेल खाता हो। पुलिस बल अत्यधिक कारगर से दबी हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस बल अपनी क्षमता का मात्र 45% ही राष्ट्र को दे पा रहा है। बुनियादी ढांचे की कमी, जनशक्ति, कार्यात्मक स्वायत्तता का अभाव इसका मुख्य कारण है। संयुक्त राष्ट्र के मानक के अनुसार 30 लाख नागरिक पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए, लेकिन भारत में यह आंकड़ा 144 है। मतलब 30 लाख नागरिकों पर पुलिस है, 144 ही है भारत में। एक, पर्याप्त पुलिस बल नहीं है, याद रखिए भारत में। दूसरी, स्वीकृत क्षमता के करीब 1/4 पद खाली हैं। गृह मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि देश में पुलिस के लगभग 5 लाख पद खाली पड़े हैं। यही नहीं, देश में भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के कुल 4,883 पद अधिकृत हैं, लेकिन इनमें भी 900 से ज़्यादा पद खाली हैं। लिहाजा पुलिस पर कारबोझ कम करने के लिए रिक्त सभी पदों को भरना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।
देश भर में इस विभाग में लगभग 24 लाख कर्मचारी हैं, लेकिन देश का नागरिक पुलिस थाने में कदम रखने से कतराता है। उसे यह भरोसा नहीं है कि उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाएगी और उस दिशा में किसी तरह की कार्रवाई भी होगी। दरअसल पुलिस से जनता का सहयोगी होने के अपने दायित्व को लगभग भुला दिया है। भारतीय पुलिस बल, यह आरोप अक्सर लगाया जाता है पर पुलिस बल पर, कि यह अनुत्तरदायी तरीके से कार्य करती है। कई घटनाएं यह साबित करती हैं कि पुलिस या तो अपराध की ओर आंख मूंद लेती है या फिर लापरवाह है, अरुचिपूर्ण और अपराध के खिलाफ उत्साहहीन तरीके से कार्य करती है। पुलिस द्वारा अपराध के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने में तमाम तरह के बहाने बनाए जाते हैं। यहाँ सवाल यह भी है कि एक औपनिवेशिक मानसिकता से रची वसी पुलिस व्यवस्था में कैसे नवीन लोकतांत्रिक संवेदनशील गुण समाहित किए जाएं। इस दिशा में 2006 में पुलिस सुधार पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश व द्वितीयक प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें महत्वपूर्ण हैं। सर्वोच्च अदालत का पुलिस सुधार मुख्यतः स्वायत्तता, जवाबदेही और लोकोन्मुख होने की ओर था, लेकिन राज्य सरकारों ने इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, जो दुर्भाग्यपूर्ण एवं चिंताजनक है। देश भर में पुलिस बलों में पर्याप्त और अपेक्षित कौशल तथा प्रशिक्षण की कमी रही है। ऐसे वक्त में की मांग को समझते हुए पुलिस भर्ती और प्रशिक्षण के लिए देशव्यापी एक्शन प्लान बनाने की आवश्यकता है। यह समस्त अभियान तकनीक को केंद्र में रखकर चलाया जाए। एक ऐसे पुलिस वाले से हम ईमानदारी की उम्मीद नहीं रख सकते हैं जो स्वयं रिश्वत देकर पुलिस में भर्ती हुआ हो। इसलिए पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता लानी होगी। प्रधानमंत्री ने पुलिस प्रशिक्षण में भावनात्मक पक्ष पर जोर दिए जाने की बात को स्वीकार किया है। उनके अनुसार सामान्य मनोविज्ञान एवं व्यवहारिक मनोविज्ञान को भी पुलिस प्रशिक्षण का अनिवार्य अंग बनाना चाहिए। भारतीय पुलिस सुधार कानून एक लंबी बहस का हिस्सा जरूर रहे, लेकिन सुधार ज्यादातर कागजों तक ही सीमित रह गए हैं, जिस कारण पुलिस व्यवस्था को निष्पक्ष, कार्यकुशल, पारदर्शी और पूर्ण रूप से उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में पुलिस प्रमुखों के एक सम्मेलन में पुलिस को स्मार्ट बनाने की बात की थी। पुलिस को स्मार्ट बनाने की कल्पना से जुड़े आदर्श वाक्य, पुलिस संवेदनशील हो, आधुनिक हो, गतिशील हो, सतर्क और जिम्मेदार हो, भरोसेमंद एवं दायित्व का निर्वहन करने वाली हो और तकनीक में दक्ष शिक्षित हो। तो चलिए, ये था हमारी पुलिस व्यवस्था से संबंधित एडिटोरियल।